सुण हे सुजन जने एक मने लक्ष्मी नारायण कली पद पद करे मादक पुरीची अमीय रसरु बळी नंदी घोष रथे बसी महाप्रभु गुंडीचा उत्सव सारी भाई भग्नी संगे घेनी करी रंगे बाहुडा विजय करी चित्र चिराळ चामर माळ माळ नाना भेरी तुरी बाजे रथरु उतुरी राम दईतारी देउळ दुआरे विजे। महाप्रभु बड़ ठाकुर अच्छा आगे मझीरे सुभद्रा लुचिकी कौटी अच्छा सर्वशेषे पछे आसुची कालिया गहल लगाई कालिया शांत जगतर नाथ जगन्नाथ पछरे अच्छा धीरे धीरे जाउचंती सिंहद्वार निकट को घटना घटी कौन जाणी ठाकुराणी सखी गण घेनी द्वार निकट रे मिली कांत ठारे मान करीण बहन कबाट को देले किली। जेतेबेले दी भाई भौणी प्रवेश करुचंती सिंहद्वार दे महालक्ष्मी सिंह दरजा को किली देले कबाट को किली देले घटना घटिला कौन तापरे देखिले श्रीवत्स कबाट पड़ी पशिबा को नाही बाट विचारिले चित्ते कोप करी मते लक्ष्मी करी ए कूट प्रभु जाणिले एत कूट केवल लक्ष्मी ही रचना करी ना मुँ तो हूँ नीलाद्री कंदर आनंद ये सिंह द्वार को बसला बेलू मत पुणी कबाट किणवार योग्यता बा कहार अच्छी लक्ष्मी जेणु तीन थर मिलन हो कि मतलब चैलेंज करके आमको पूरे देवी मंदिर भितर से ही द्वार को बंद कर दे प्रभु चिंता करें कहीं बाहली रे ये स्त्री कथा न कह भल ना कौन ये स्त्री जानते महाप्रभु मुहरें शुणतु नारी करी जहाँ दैव गढ़ी से अति अनर्थ मंजी संगत रसी निरंतर पुरुषे हूँ गंजी न जानती भल मंद पाप पुण्य सबुदिने आड़ रुषा हिंसा कपट नानादी कूट हृदय करी थाए बसा कहिले रुसंती मौने बसंती पदे न सहंती टाण आंट आकट कले से न बुझीण दंड के हरांती प्राण। प्रभु चिंता करुछंती कि बेलारे लक्ष्मी सहित पाणी ग्रहण कलीजे ये स्त्री विषय न कहवा भल आज्ञा जदि पदे किसी कहीदेली एरे बड़ मुह कर बस धान उसुआ हांडी भाया मुहटा करी आउ पदे आकट कर किसी भी कहीदेली प्राण हारिदेव आत्महत्या करदेव बिचारा स्वामी सारा संसार रे जगत बड़ दांड रे अपमानित हो। अरे साधारण स्वामी कथा छाड़ी दियो मु जगत स्वामी है कि मु दांड रे अवस्था देखे नीलाद्री विजय तो एत बड़ जात मु रचना करी भक्त मान कृतार्थीकृत करी बोली किंतु यात्रा सारिकी फेरला बेल को देखे मो अवस्था कौन हो। महाप्रभु चिंता करुछंती स्त्री विषय रे आंभे जे बेचाटू पटल करीण न कहिबा तांकु आग केबे हे मनरु मानन तेजीबे घेनी बसिथिबे राग। दर्शक बंधु जिते गृहस्थ आम कार्यक्रम को देखुं समस्त एक प्रकार अभिज्ञता निश्चित थी जदि स्त्री आपण रागिकी थे आपण को आपण आड़ ही प्रथम कली को तुटाइवाक पड़ो मैंने कंप्रोमाइज प्रथम आपण पटर करवाक पड़ो। आ महाप्रभु भाविले कहे आ कि उपाय ना लक्ष्मी एड़े बड़ मुह कर द्वार बंद कर सारा कथबार्तार मो तरफ आरंभ करी। आ महाप्रभु कथा कह आरंभ कले कोमल करीण कमल नयन भासंती रे प्राण बंधु कबाट फिटाओ मो दुख तुटाओ देखाओ बदन इंदु नवदिन मत नव वर्ष हेला श्रीमुख न देखी तोर झुरी झुरी देह दुर्बल हेलाणी पाद न चल मोर नाही मोर दोष काही पाई रोष करुछु नृपति जेमा हेले अपराधी तु कृपा बारिधि सकल करिबु क्षमा। आलो लक्ष्मी कह निलो तो मुह मु न दिन हेला देखिनी तोर चंद्र बदन को न देखिकी तते झुरी झुरी किरी जानिचु मो अवस्था कौन है मु काठ पड़गले लो कला काठ हो गले मोर से चंद्र उदिया मुखार बिंदर आ शोभा ना आस ना देखे मो चली भी जापारूनी एत कष्ट अच्छी ना कहीं ना तो हाथ रंधा नौ दिन है खाई आउ तो मुँह को नौ दिन है देखनी कौन कहले महाप्रभु तेरे दिने जमा एमंत होइचु दिशुचु झुमुका परी मोहम देह तो गहम हेलाणी काहीकि लो चंपा गोरी। आलो चंपा भलिया गोरी मोर महालक्ष्मी मुसिना रास्तार छेचा कछा खाइकिरी गली छेचा कछा खाइकिरी फेरिली केते वर्षा माड़ खाइली केते भक्तंगर गाड़ी गुहारी टाही टापरा अली अर्दली सब शुणिली हेले तू परा बड़ देउलर निभृत कंदर भितर बसीचु तोर मोहम भलिया गोरा देहटा गहम भलिया काहीं नालिया तू कहीं एम देखा जाऊ तू झड़ी गलुणी लो लक्ष्मी झुमका भाया देखा जाऊ आज्ञा विश्वास करतु कथा कहवे महाप्रभु को किए आज्ञा पार जयती वचन रचना अति नागर यां भाया कुहाड़िया ब्रह्मांड में कहीं नहांती जोटी भारती विलज्जित हे।
आ जेते बेले महालक्ष्मी महाप्रभुंकर ए प्रकार चाटुकार कथा को सुनिले ये तो रागिकी अछंती महालक्ष्मी कह आरंभ कले कांत प्रिय बाणी शुणी ठाकुराणी क्रोधे तनु थर थर श्वास घन घन नेत्र थन थन अश्रुव हे धार धार अति कटुवाणी सागर दुलणी कहती कांत को चाह तुम्भे त्रिभुवन ईश्वर एठाकु विजय कल काही आपण मैंने जाथे स्त्री रागिला स्त्रीर बॉडी लैंग्वेज मान स्त्रीर बाह्य परिपाटी जो प्रकार हम महालक्ष्मी से प्रकार होगा जिते बड़े प्रभु मुहर ये चाटु वचन को शुणिले महालक्ष्मी क्रोध आहरी बढ़ीगला माँ रागरे तमतम हो गले नाक फुलीगला आउ घन घन श्वासकंप माँ को आरंभ होगा कहले हयो तुम्हें ये कहीं आसिल तुमर ए भंगा कुड़िया को आसवर प्रयोजन कौन मत बुझाओ प्रभु आसवर आवश्यकता कौन रहा जाइए तो महाराज रचवा निम्ते रास कौन सरी कि आसिले कौन पाई आप महालक्ष्मी कहवा आरंभ कले खंडिया कुड़िया भंगा घर मोर बाकू पड़ई भाजी डरी करी महाप्रभु ए पुर को कही न पसंती राजी आपण अशेष ब्रह्मांड ठाकुर सहजे देवाधिराज तुम्हर एपुरे विजय करिवार उपजीव बड़ लाज कले प्रभु आपण एते बड़ दियो मोर ये भंगा कुड़िया बड़ देवल काहीकि आसिले आपण को लाज लगे प्रभु जगत बड़ दांड में आपण अपमानित हेबे एड़े बड़ ठाकुर होकर भंगा कुड़िया रे पाद रखुचंती माँ जिते बड़े रागी जाती निजक न्यून कर दिंती आउ कहीं आसवा है मो भी दिना हिना पतिता पाखक ए प्रकार भाव दौंती देखु महालक्ष्मी सेना महाप्रभु को कहते टार्गेटा आउ जन शुणु टार्गेट क्या बर्तमान क्या माँ को राग जाओ जाओ फेरी नीलाद्री बिहारी भौणी की सांगे निय छाड़ी करी गले दुख करी बटी नंदर जांकर झी स्त्री जन्म होई सोरी से ताहार मुखरे न थाए लाज तुम्भे न जाओ से रथरे चढ़ीण आग होई थाए सज गेरस्त छाड़ी बाप घरे रहे सहजे चेपेटी नाकी बुली जीवा पाई रत्न सिंहासने बसी थाए गोड़ टेकी आह विश्वास करंतु भक्त बंधु ये भाव केवल ओडिया जाति महाप्रभु कही पारे सिना आउ केही नुहे महालक्ष्मी भावोद्गार देखंतु महालक्ष्मी रागटा प्रभु उपरे तो जहाँ अच्छी नणंद उपरे बेसी काहीकि गोटे स्त्री के आउ गोटे स्त्री को सहजे सहयोग कर पारे नहीं रत्न सिंहासन ये भौणीटा होकर भाई घरे रोचे स्वामी अर्जुन को छाड़ी बाप घरे रोचे आ सबु बड़े गोड़ टेकिक बसी थी केत को जी आरे स्वामी उपरे प्रथम अधिकार स्त्रीर किंतु ये एमती गेल बसरिया भाई भौणी को भल पाती जे स्त्री को नियंती भाई भौणी को लेकिन जाती से महालक्ष्मी सकल क्रोध भौणी उपर आरंभ होला कौन कहिले ना जहार जेजाति स्वभाव प्रकृति ताहा से नपारे छाड़ी जेसने ओलाई गदा खाई खाई पशु थाए नाना बाड़ी बाप तो गौड़ नंद महाखुड़ झीह परा जेमा दे पिलादिन से बहपी जाइची दही दूध सर खाई आए तुमर जो दि बड़ बड़ भाई भितर से जो गेल बसरिया भौणीटा को रखीछ ना ताऊपर आकट बोली कहार ना सहजे तो गौड़ घरे जन्म पाठ साठ किसी तुम है से प्रकार हम महालक्ष्मी प्रदान करुंट पादू दही क्षीर दूध सर या कुई खाई से स्त्री मुहटा से सुभद्रार मुहटा बहपी जा तार भाउज को सामान्य खातिर ना गला बेले तुम्हें तो गला बेले मत जनईकि गलनी कहीकि गलनी से सान नणंद होकर मत कह भाउज हे मुझे भाई सहित जात रचना करी फेरबी भावत महालक्ष्मी पुणी कह आरंभ कले मुखे माखी थी बनक हलदी पिंधि कला मेघी खंडे छाती की फुलाई हाथ दोहलाई बुलू थी दांडे दांडे भाई जेमंत को भौणी तेमंत के कहाकु नुहे उणा गोपपुरे थाई सिखीच गोसाई गौड़िया बुझामणा ए संसारे लोक अछंती जेतक गोटिए गोटिए गुण आपणंक रीति जणा गला मते सुआ परि आचरण प्रभु मते जणा भौणी जो भलिया भाई सेई भलिया कहाकु बा को कथा मु कहिबी चुडाकु गुड़ साखी भाई चुड़ा हेले भौणी होउची गुड़ आपणंक विषय रे कोण कहिबी प्रभु आपणंक आचरण सुआ भलिया प्रभु कहले मु पुनी सुआ भलिया
ମୋତେ ସମସ୍ତେ କଳା କୁଆ ବୋଲିକି ମୋ ରଙ୍ଗ କହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଆ ବୋଲି କେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ମହାପ୍ରଭୁ ମୁରୁକିକି ପଚାରିଲେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଶୁଆ ଭଳିଆ? ଘୃତ ଦୁଗ୍ଧ ସର ମିଠାଇ ସାକର ଦେଲେ ନ ରୁଚଇ ତାକୁ, ନିଶି ନିଶି ବସି କାନ୍ଦୁ ଥାଇ ବସି କେନ୍ଦୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ, ଗ୍ରାମ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ତା ନାମ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର, କେଓ ବା କହିଁକି ଯିବଟି କାହିଁକି ଦିବସେ ମାଡ଼ଇ ଡର, ଘର ଚାରିପାଖ ସପୁରୀ ପଣସ କିଆ ଗଛ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି, ମର୍କଟ ଶୃଗାଳ ଜନ୍ତୁ ମାଳ ମାଳ ବାଲିକୁ ଦେ ଥାଇ ବେଢ଼ି, ତ୍ରିଭୁବନେ ସାର ଶ୍ରୀ ନୀଳକନ୍ଦର ଅଷ୍ଟନିଧି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ମନ୍ଦିର ମନୋହର ଏକୁ ଆନ ଆନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶୁଆର କ'ଣ ଆଚରଣ? ଶୁଆକୁ ଆପଣ ଯେତେ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖି ରୂପା ଥାଳିରେ ଦୁଧ ସର ଭାତ ଦେଲେ ବି ସିଏ ସବୁବେଳେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା କେନ୍ଦୁ ଫଳ ଖାଇବା ନିମନ୍ତେ, କେନ୍ଦୁ ଫଳଟା ଆଜ୍ଞା କଷା ମିଠା ନୁହଁ, ଯେତେ ଆପଣ ଶୁଆକୁ ମିଠା ପିଜୁଳି ଖୁଆନ୍ତୁ, ମିଠା କଦଳୀ ଖୁଆନ୍ତୁ, ମିଠା ରସଗୋଲା ଖୁଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ଯେତେ ଖୁଆଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଷା କେନ୍ଦୁ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ରାତିଦିନ ବସି ଘୋରି ହେଉଥିବ। ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଭୋଜନ ଖୁଆଇଲେ ମଧ୍ୟ ନାଡ଼ି ବଡ଼ି ଗଜା ଖଣ୍ଡ ଖଇ ଖଜା ଏତେ ନୋହିଲା ମିଠା, ତୁମକୁ ମିଠା ଲାଗୁନି ପ୍ରଭୁ, ମାଉସୀ ଦୁହାରେ ରହି ଚବାଉଛ ପାଉଁଶିଆ ପୋଡ଼ ପିଠା। ସେ ପାଉଁଶିଆ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିକଳ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଶୁଆ ସେ କଷା କେନ୍ଦୁ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଠା ଭାତକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥାଏ, ଆପଣ ଶୁଆ ନୁହଁ ତ କ'ଣ? ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଅଛି? ମାଳିନୀ ନଈ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ତୋଟା, ଦିନରେ ଯିବାକୁ ଯେଉଁଠି ଭୟ ଲାଗେ, ଯେଉଁଠି ବିଲୁଆ ଡିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବାବେନା ଭୂତ ରହେ, ସେଠିକି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ିକିରି? ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କ'ଣ ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର? ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଶ୍ରୀଜଗ ମୋହନ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ରା ତପଶୋଭା, ଚୌପାସେ ଘେରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଚେରୀ ସୁରନ ରମନ ଲୋଭା, ମର୍କତ ଅର୍ଗଳି ଲାଗିଛି ଶିକୁଳି ଦୁଆରେ ହୀରା କବାଟ, କଳ୍ପବଟ ମୂଳେ ବସିଛି ସର୍ବଦା ମୁକତି ପସରା ହାଟ, ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ଯମ ବରୁଣ ନୈଋତ ସୁରସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାଧର, ଶିରେ କର ଯୋଡ଼ି ଉଭା ହୋଇଥାନ୍ତି ସର୍ବେ ସେବା ପରିଚାର, ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ଛାମୁକୁ ନୀତି ଆସୁଥାନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ତମେ ଯାଇଥିଲ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ିକି କୋଉ ଦିଅ ଦେଖିବାକୁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ଆସନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦର, ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ କାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଲାଜେଇ ଗଲେ, ଲାଜେଇ ସିନା ଗଲେ, ୟାଙ୍କୁ ଚାଟୁ କଥାରେ ସଂସାରରେ କେହି ପାରିବେନି। ଇଏ ପୁଣି କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ ବଚନ ଶୁଣି ମନ୍ଦେ ହସି ନନ୍ଦ ବସିଛି, ବୋଲନ୍ତି ରେ ମିତ ଏଥିରେ ଉଚିତ ତୋ ଆଗେ କହିବା କିଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରଜା ଦେଉଳ ତୋଳାଇ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିଲା ଆଣି, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମହାଦେଇ ବୋଲି କରି ତାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପାଟ ରାଣୀ, ଏହି ଆଜ ମତେ ଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ମୋହର ନାମ, ଯାହା ସେହି ନାମ ଏହି ଯାତ୍ରାର ହୋଇବ ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ଚୌବାହା, ଆପଣେ ବିଜୟ କରିବେ ତହିଁକି ଚଢ଼ି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ, ତେବେ ବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ ଏ ମୋହର ମନୋରଥ, ମୋର ନାମ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭକ୍ତ ଭାବେ ବସ ହେଲି, ଭକତ ମୋହର ଯେଣିକି ଭାବିଲା ତେଣିକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଆରେ ପ୍ରାଣ ମିତ କହିଲି ନିୟତ ଫେଡ଼ି ମୋ ମରମ କଥା, ତୁ ତାହା ନ ବୁଝି ଅବିଗୁଣ ହେଜି ମନରେ ରଖିଛୁ ବ୍ୟଥା। ଆଲୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେମିତି କିଛି କଥା ନୁହେଁ, ତୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କି ମୋର ଆଉ କାହା ସହିତ ସେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ବୋଲି? ନା ଲୋ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିରାଟ ଦେଉଳକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜା ତିଆରି କଲେ, ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମୋତେ ଗୋଟେ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଜନ୍ମପୁରୀକୁ ଜନକପୁରୀକୁ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ବର୍ଷୁଟେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ନିମନ୍ତେ ଆସିବେ, ପଛେ ଆପଣ ବର୍ଷକର 51 ସପ୍ତାହ ବଡ଼ଦେଉଳରେ କଟେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ରହିବ। ଯେଣୁ ମୁଁ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲି, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ କଥା ଦେଇଛି ବର୍ଷକୁ ଥରୁଟେ ତୋ ପାଖକୁ ଯିବି ବୋଲିକିରି, ସେଥିପାଇଁ ସିନା ମୁଁ ଜାତ ରଚନା କରିଥିଲି, ତୁ କାହିଁ ଅନ୍ୟ କଥା ଭାବୁଛୁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୋର କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ତୁ ମାନ କରେନି, ଦୁଆର ଫିଟେଇ ଦେ, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛୁ, ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ରାଗିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତମେ ମାଆ ବୋଲିଆ ବୋଲେଇଛ ନା, ମା ବୋଲ କରା ମାଧିଆ ହେ ତମେ, ତମ ସାଙ୍ଗେ ଭାବ ନାହିଁ, ଗୁଳା ଦେଖି ପରା କଳା କହ୍ନେଇ ହେ ଏ ପୁରରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛ? ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଆକୁ ଭଲ ପାଅ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା ବୋଲ କରା ମାଧବ ତମେ ତ, ଯାହା ସେ ମା ପାଖେ ରହୁନ, ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁ ପୁଣି ଫେରିଲ ତମେ ଆଉ ଥରେ? ଯେ ଯେଉଁ ଗୁଳାରେ ତମେ ଆସିଥିଲ ଶଗଡ଼ ଗୁଳା ରାସ୍ତାରେ, ସେ ଗୁଳାରେ ତମେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ନବରକୁ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ ପୁଣି
कहिबा आरंभ कले कांत प्रिय वाणी सुनी ठाकुरानी कहिले ककर जोड़ी तुम्हें जेबे आपे विजय करि गलो गले मत किंपा छाड़ी कहंती गोविंद हृदय रखी छंद लक्ष्मी को श्रीमुख चाही जही पाई तते ननेली संगते सुण रे पुराण सही मोजेष्ठ सोदर तोर देड़ असुर से संग रे थिले जेणु एही कथा चिते विचारिन तते संगते ननेलु तेणु हलो लक्ष्मी तू काही अन्यथा भावुचु तते एथि पाई नेलेनी जेणु बड़ भाई सांगे रे थिले आ तु तो जाणीछु आमर ओडिया घरे देड़सुर भाई बोर जो संबंध जितेबले तू आसिलु बाहुड़ा दिन मत देखु बोलिकी से केमी तंग आगे टेरा पकई देले आते बड़ जात को जाइचु भाई भौनी जाइचु टिके प्रमोद करिवु बोली आमोद करिवु बोली आ तू सेठी फ्री हेई पारिबुनी देड़सुर आगे तते टिके अकड़िया लागिवो तते केवल सेथिपई सांगरे मु नै नथिलु लक्ष्मी तू अन्यथा भावे नाही एहा परे हला कोन महालक्ष्मी रागी गले कथा को सुनिकी तार मूल कथा होची महालक्ष्मीकर मनरे जो संदेहटा प्रवेश करी जे महाप्रभु इटे यात्रा को रचना करी राधा सहित तो महाराज रचना करिए बोली से कथा को महालक्ष्मी एपर्यंत कहू नथिले किनु जेतेबेले प्रभु ये छल प्रदान कले छलिया जो छल कथाटा कहिले जे देड़सुर थिले बोली मोते ते नेलिनी महालक्ष्मी क्रोध बढ़िया कले मु जानिछ तमे मते काही नेलनी देड़सुर भाई कथा सब बहाना सत शुणिम छाती रे दंभ अछि सुनिया पई तो सुण जगत बड़दाण्डे सारा जगत जानू तमें कि प्रकार स्वामी महालक्ष्मी कहवा आरंभ कले कले क्रोधे थर हर कंपाई अधर त्रिभुवन ठाकुराणी जगन्नाथंकर मुखरु एमंत वंचक वचन शुणी तुम्भ कटु गिर कर्णे बाजी मोर हृदय जाउची फाटी बोलंती कमला हे चका डोला केते कर परिपाटी जहाँ मुख देखिबाकु जाइथिल ताहा अछि मते जणा आउ काही पई अइल गोसाई होइल कि बाट बणा जाओ बेग करी विलंब न करी पचारी पचारी बाट संकेत स्थान रे चाही बसी थिबे तांको संगे हुओ भेट कहंती श्रीहरि सुन प्राणेश्वरी वृथा अभिमान करू मु तो हर देह तुमर जीवन एहा मने न विचारू लक्ष्मी सेमिति किछि भावेनी महाप्रभु कहउचंती किंतु महालक्ष्मी जानिचंती ठीक भावरे ये कहार मुह देखिवा निमन्ते राधांकर चंद्रमुख देखिवा निमन्ते ये चकोर कृष्ण जाइथिले महाराज रचना करिवा निमन्ते नंदी घोषरे सेथिपाई गलावेले महालक्ष्मी को नहीं नाहंती जेते महाप्रभु बुझेला परे मध्य महालक्ष्मी को मन संतोष होउनी देखंतु जेतेबेले स्त्री संपूर्ण रूप से आगिकिरि थिबो स्त्री किछि लांच देकिरि तांकर मन को प्रमोदन करिवार परंपरा प्रत्येक स्वामी को पाखरे अछि महाप्रभु केमिति एथरु बात जिवे लक्ष्मी जो तू भावुचु मु आउ का सहित भाव रखी बोली मु यात्रा फेरला बेलू तोपाई ये सब जिनस नहीं कि आसी न था ना कौन आंच मोप कहल महाप्रभु कहवा आरंभ कले कबाट फिटाई मो दुख तुटाओ देखाओ सुंदर मुख अनेक प्रकार रत्न अलंकार आनी अछि गणी रख चुड़ा भिड़ा झरा कनक दुदुरा तड़का जगत जीणा नासिका कुमंडी देव थिव दंडी सुहाव सानाक चणा संबलपुरिया बांक डेउरिया जालिताड़ विदमाला हृदयकु पदक माल आनी अछि पादकु बाजेणी बड़ा कला मेघी साड़ी मरकत चुड़ी कमकली अरिनिय अंगीकार करी अंगना रतन श्रीअंगे लगी हुओ आलो लक्ष्मी तोपाई सुहावसा नाक चणा आनी कानकु पेंडी आनी पादकु बड़ा आनी बाजेणी आनी आउ सर्वोपरि तोपाई से काणिया कछा परिधान करी कला मेघी साड़ी आनी लक्ष्मी जदि भल पाऊ न था मोर आउ कहा सा भाव था ताकु तो ए सब दरब दे था तोपाई कहीं नहीं कि आसता महालक्ष्मी सब मत जना से जिनस तुम पाखे रख आ शुण मो कथा बोलती कमला आहे चका डोला मोपाई आनीच जहा तही पाई कि मु भाजन नुह शुण प्रभु चौबाहा मुझे दुखी घर झीओ महापुरु ताहा मु पाई कहीं आउ देखिबार नयने मोहर कर्ण रे मुशुणी नाही उठा उठा मठ न कर हे सठ नागर मुकुटमणि उछुर होइले कोप करी बेटी गोपपुर गौरुणी विलंब न कर बेगे विजे कर लुचाई करी ननिय चंचल इक्षणी कांचन गोरीकु लांच करी ताहा दिय आए तमे जो जिनस आनीच ना शीघ्र जाओ एठू उठ उठ मठ न कर हे सठ नागर मुकुटमणि हे सठ नागर मुकुटमणि आ विलंब करनी ये जहाँ किछे आनीच गहना वस्त्र सबुकु नेइकिरी से जो तप्त कांचन गौरांगी राधा को नेइकिरि दियो मु तो साधारण गरीब स्त्रीटे मते बा कौन लोड़ा एत दामी दामी बसन वस्त्र कौन मु पिंधि पारिबी मते लोड़ा नहीं जा से राधा को दबो याकु सुनिला परे महाप्रभुंकर चिंता वृद्धि पाइला तापरे महालक्ष्मी आउ थरे सुंदर ढंग रे कहिले तुम्हें परा तांको नाटुआ पुरुष गोपी माने तम गुरु नासिका फुलाई गुणा दोहलाई आखि ठारु थांती दुरु कदम्ब पादप आखेड़ा मंडप गुरु शिष्य तही भेट
से जे प्रकार साधना शिखाती से हीपर कर नाट गौरुणी भाव गौड़े जानती मुताहा जानी कहीं कंट करा करी आखि ठरा ठरी एपुरे से भाव नहीं बुझिल तमर जो आखि ठरा ठरी कंट करा करी बैंसी फुंका ये स्त्रीपुर से भाव नहीं योजि भद्रपुर मार्जित पुर एटी स्वामी स्त्री संठणार सहित निवास करती भद्रामीर सहित निवास करती तुम भाया सीठी जो रंग लगी गौड़ गौड़ी रंग से कथा मो पुर हेनी शीघ्र फेरी जाओ तुम गुंडीचा नवर को तापर घटला कौन भक्त बंधु आपण मैंने हेजंतु महालक्ष्मी कह आरंभ कले कले के कह से गोपींर गुण जोपरी आचरण अति अन्याचार अति अव्यवहार शुणा को विड़म्बण सब मुझी कर्णरे शुणी के से सती राति पति पाशर उठीण कुंजव ने बुलू था लाज बोली जो जोड़िक अक्षर तांकतेपरिहास से मैंने करती तुम श्रीमुख को चाह हे प्रभु मु तुमको मणिमा महाप्रभु मकदमे शांत ए भाया शब्द संबोधन कला बेलू से गोपी मैंने तुमको कौन कहती जाच प्रभु कहे कौन कहती प्रभु धीरे की कहते महालक्ष्मी कह आरंभ कले केवल इनिया गीला सह सारे केवल ईसंड पिटा केवल पालटा बसन लुटारे केवल अघट घटा केवल ओलिया दही सरखिया केवल माई पी मरा केवल पातक विश्वास घातकी केवल चढ़ई चीरा यही रूपे केते कटुकु वचन कहती से गोठी आनी सेवाणी शुणापी कि आपणे रसिक रतनमणि केते कहिबि से गोपींक घटना न जानती विधि सिधि पालटा बसन पिंधि बाहरती बिकी जीवापाई दधी आ प्रभु से मैंने आपण को ओलिया दही सरखिया माइपी मरा षंढ चीरा चढ़ई मरा ये शब्द आपण को कहती आ शब्द को कान डेरिकी आप शुणु था प्रभु सेवाणी शुणापी कि आपणे रसिक रतनमणि से गाड़ी को शुणापी से आड़ कटु कथा को शुणापी आप जात रचना करोर ये सात शब्द आपण केमी भल लगे प्रभु आप फेरी जातु प्रत्यावर्तन करतु विश्वास करतु आपण तर भाव अच्छी जानती से भाव केमी तुमको जेगाई चराई आसई तांकुआ से दही बिकी नुहे बड़ सान उभय समान खीरी की एंडुरी साखी प्रभु आपण को तो गाई चरई जना आउ तांकु दही बिकी जना दीज मिसिकी भल बेपार करेंगे जड़े खीरी तो जड़े एंडुरी मो भली मंडा सहित आपण संबंध कौन आप प्रत्यावर्तन करतु घटला कौन जितेबले महालक्ष्मी सायताणी गोपी मान गाड़ी देले महाप्रभु सबुक सह्य करती प्राण प्रिया गोपांगना प्रति जदि कहीं कुभाषा प्रयोग कर महाप्रभु सह्य करती महाप्रभु क्रोध बढ़ला एपर्तंत प्रभु कंप्रोमाइज मुड्रे थे किंतु जितेबले महालक्ष्मी सायताणी रागवा आरंभ कले आ सर्वोपरि प्राणवल्लभा गोपी मैंने राधा प्रति महालक्ष्मी कुच्छा रटना शुभारंभ है महाप्रभु सह्य कले महाप्रभु कहिले लक्ष्मी तू को भल कि माने बोलती गोसई ज्ञान तोर ना अति हीन तोर बुद्धि हिंसापण करी गोपी चरण हेलु मात्र अपराधी तुमने विचारी मोपरा सुंदरी त्रिपुरे नथिबे आउ आपणापण आपणा मुखरे परशंसी हो थाउ सते बड़ घर झी परी केते परिपाटी करी कहु गोपी गण करू जनक संगे तु पण करे लेखा नहु तांको भावे अनुगत नही मने गर्व विचारिलु जेणु वृंदावन शोभा संपत्ति उत्सव न देखी पारिलु तेणु सबुदिने तोर चंचल स्वभाव निश्चल न रहु कहीं केउठारे मासे कहीं बाबर से तहीं प्रमाण नाही चौद ब्रह्मांड जाक दंड करे भ्रमण करीण आसु सूचीवंत नही पाद न पखाड़ी देउल भितरे पशु सबु विपरीत एतर चरित केताहा पारिब जानी एथिपाई तते बोलती जगते लक्ष्मी बाई ठाकुराणी आलो लक्ष्मी तो गुण कौन गाइबि तो गुण न कहवा भल तो ना हूँ चंचला तू बर्तमान थिबु भुवनेश्वर रे गोटे क्षणार्ध पर तू जाइ बम्बे में पहुँची थी पाखे बसिक दीपद कथा भाषा तो सहित मोर आज पर्यंत हो पार्लानी आउ कौन कह तू क्षणार्ध भितर ब्रह्मांड को बुलिकी आसबू आ गोड़ हाथ न धोईकि आम बड़ देवल भितर प्रवेश करू आ रोष रांधु तो विषय कौन कहलु लक्ष्मी तते सारा जगत बाई ठाकुराणी बायाणी बोलिकी कहूँ छाड़े ये तो लक्षण आ तो मुह केमी जाचु
ब्रह्मा गढ़ी थिले नारी मूरतीटा आखि होइगला टेरी दूर दरिया रे फिंगी दे थिले मने नाही किलो सिरी आलो सिरी सिरी श्रीदेवी लक्ष्मी तोर कौन मने नाही ब्रह्मा थरे गोटे स्त्री गढ़ु गढ़ु बा आखिटा टेरी हेला बोली ताकु समुद्र को फिंगी देले आउ ताकु वरुण पाई रखी थिले मोर बेला खराबे तो सहित मु पानी ग्रहण कली जेते बेले तू मते मिलीगलु तो बोली टेरी सहित मु विवाह कली सेतिपाई सारा जीवन पस्तौची। एक कथा को सुनिला परे महालक्ष्मी सबुकु सह्य करि परंती गोटे स्त्री आज्ञा समस्त प्रकार अपमान को सह्य करिवो किंतु तार बाप घर आउ तार सौंदर्य प्रति जदि केही सामान्य मात्र आउ जदि पुनी स्वामी हेथाय आउ स्त्री रो सौंदर्य आउ त बाप घर गाळी दबो ताकु स्त्री सह्य करिवनी। आमर कार्यक्रम को देखुवा ओडिशा 365 रो सकल दर्शक बंधु माने एक कथा को मने मने ग्रहण करि पारुथिबे महाप्रभु आउ सेठी अटकिलेनी खाली टेरी बोली कहिलेनी मो पुणी कहिबा आरंभ कले तो मन मर म जानी कहू थाई भाई बलराम दास काणी कालुणी को बुद्धि बोली परा करू थाई परिहास से जाहा कहई अन्यथा नुहई सबु सत्यतार बाणी मोहरी कथारु अनुभव करी सबु अछि मुहि जानी मिछ कुसे छंदी नाना कथा फंदी पते पुणी बोलू जाहा छाती की पथर पराए करिमु कान करि थाए लुहा मुहि बोली तोर दाऊ संभाळीची आनके परमता सही घर छाड़ी करी कौ पिनी मारी जानताणी जोगी होई। लक्ष्मी मु बोली सिना छाती को लुहा करी की पत्थर करी की तो दाऊ को संभाळीची जदि मो छड़ा संसार आउ कौ स्वामी थांता ना से केते बळु कौ पिनी मारी करी बाज ही सरंताणी कौ पिन बंतह खळु भाग्यवंतह ए प्रकार भाव जते बळे महाप्रभु कहिले महालक्ष्मी सह्य करी पाली कहले तमे कौ सुंदर कि ना माने ना त्रिपंड कालिया मेघ मुहा तमे चालुणी परिकाखी कुला परि मुह थंतल पेटिया आईना रे आस देखी केबे निजुक दर्पण रे देखिच कुला भलिया मुह थंतल पेट मेघ भलिया कळा निजुक सुंदर बोली बोलौच मोर सौंदर्य गाळी दउच टेरी बोली करी कहउच तमे कहु सुंदर हे जेते बळे महालक्ष्मी आ महाप्रभु गरे वार्तालाप सुनिले बड़ ठाकुरे घर मुरबी बलभद्र चिंता कले आम घर मर्यादा दांड रे बिक्री होउची दांड जन देखुचंती तापरे महाप्रभु महालक्ष्मीकर कली को दूरीभूत करने निम्ते घर मुरबी भाव बड़ भाई हलधारी कहिले ना कौन कहिले ना चली हलधारी बोलती रे हरी तू तो भल लोक नहु जलपति जेमा दे कि तू के कटुकु वचन कहु आम्भरी भल से कहु थिले सिना यह मने न विचारु के शुणव यह चोर हो जहा पाई कपण तु करु आम्भे दुई भाई दांड को गला को आबर सुभद्रा गला श्रीजगमोहन रत्न सिंहासन भंडार पड़ी मेला हित कथा को तु अहित विचारु विपरीत अर्थ तोर खंटपणिया कथार तु पंडित खंटंकर सरदार सबुदिन छाड़ नगला तोहर फुला फुंका चरण पिंधा फेर तले लुटी जाऊ थाई बड़ दांड बेहरण हईरे कालिया तु आमर घर कूलबधु को गाली दौचु महालक्ष्मी को तते कौन जणारे आमे जेते बेले दी भाई गले जात्रा रचना करिया पई आमो स भिड़ी बाड़ी कि सान भौणी सुभद्रा गला एते बड़ श्रीमंदिर रत्न भंडार कोइली वैकुंठ आनंद बजार भोग मंडप कल्प बट ये घर को नौ दिन काल जगिकी किए अच्छी लक्ष्मी तो अच्छी कुलवधु ताकु गाली दौचु तू तो भल लोक नहुरे कालिया तते कौन भल कथा जना तते सहजे चाली जना नहीं तू तू चलला बेले बड़ दांड रे तो लुगाटा पेहरण भलिया खाली लोटू थाए तू चाली शिखिनु एपर्यंत आउ काम तते किछि जणा नाही रे कालिया घर हाट कथा दांड हाट कथा सब मु बुझीबी घर बुझुथिबे बहु चारि गोटी भुंजी मांडी की आउजी बसिथिबु जेन्हे साहू तू घर कथा आज पर्यंत किछि बुझिलुनी कालिया बठा गुरे कहउचंती ना कौन बुझिबा कथा ना बाहर कथा मु बुझीबी चाउल कोठु आसीब लुण कोठु आसीब काठ कोठु आसीब केमिति रोसेई हबो दांड कथा कौन हबो आ बहु मा अमर से निजे हाथ रे रोसेई करिवे आ तू चारि गोटी भुंजी मांडी की आउजी बसिथि बुजेन्हे साहू जेमिति गाँव रे साहूकार महाजन किछि काम करिवनी खाइब तकिया को आउजिकरी सोइब बसिब तते आ कौन जणा रे पेटे पेटे भुंजुचु आ चका अपसर मांडी करिकि ता उपरे बसुचु पुणी बठा गुरे कहिले लवण तंडुल घृत काठ जाळ काहू आसुची ए मान गृह व्यवहार बुझीबा पाई कि होइछु तु केड़े सान आउ दिने जेबे घर खड़ बड़ कर्ण रे सुणीबी मुहि सेही दिन तते भिन्न करी देबी एथिरे संशय नाही जानिछु जदि आउ थरे सुणीबी तम स्वामी स्त्री भितर गंडगोल हला तते भिन्ने करदेवी तते घर विदा करदेवी आरे जानिछु ये बड़ देउल केवल मो ना रे मु बड़ ठाकुर बोली ये देउल बड़ देउल तते घर विदा करदेवी क्षेत्र दूरे देवी जानिच मो बहु कौन प्रभु कहले बहु कौन ना
ना साक्षात एनारी कुलसी रोमणी तोर ज्येष्ठ पाटराणी अनंत कोटि ब्रह्मांड जाकरे से पड़ी दी आशाणी सर्वसुलक्षणी परम साधवी वरुण नृपति जेमा जार कटाक्षर ऐश्वर्य भुंजती इंद्रचंद्र हर ब्रह्मा पुणी सबदायी बोलती गोमाए आंभ आज्ञा एवे घेन सबु हारक मो भाईर होइला छाड़ सबु अभिमान अरे तू कहा सा कळी करचु जानिचु ये चौदह ब्रह्मांड पड़ीदात्री थरुटे आम देवल छाड़ी पलैले जे बार वर्ष काल आम कांगाल हो गले आम खाइबा को मिललानी तू एभलिया स्त्री सहित गंडगोल करुचु कालिया हौ लक्ष्मी हे कुलवधु मु देढ़सुर तुम से कथा हवा कथा नुहे कि बड़ हेले घर मर्यादा निमंते श्रीमंदिर स्त्री को रक्षा करने निमंते लक्ष्मी आम दिजण क्षमा कर दि आह एक शुणला पर महालक्ष्मी सांताली सह्य कर पारे बड़ बाड़ आम देढ़सुर बड़ ठाकुर मत क्षमा प्रार्थना करेंगे ये हूँ ओडिया घर कुलवधूर परंपरा आज्ञा से सबको सह्य कर बड़ हो क्षमा प्रार्थना करेंगे सान को सह्य कर पारे महालक्ष्मी सांताली मुंडे उड़ाने कह आरंभ कले दासिकी अनाई कहती कमला बहन फेड़गो द्वार केतु उभा रही मोर श्रीवण सामंत मोर अपराध क्षमा करिवे मोहर मागुची मुकर जोड़ी एते कही खंड दुरु माए रही साष्टांग होई न पड़ी दासी गणे आज्ञा पाई तत्क्षणे कबाट फिटाई देले सही पंचरत्न सिंहासन जाए टेराबाड़ पकाइले धीर धीर होई रेवती रमण भीतर को गले चली पुर निकटरे विजे करिथिले भक्त बंधु वनवाड़ी जेतेबेले महालक्ष्मी जीभ को दात मोड़ी कहले केड़े बड़ भूल हो गला लो केड़े बड़ त्रुटि हो गला मो द्वारा मो बड़ बाड़ को दुख देली आसंतु बड़ ठाकुर पसंतु घरे शीघ्र दासी जा सिंह दरजा खोलो मोर बड़ सांते ठिया शीघ्र बड़ देवल भितर पुराओ जितेबाड़ बड़ ठाकुर जाऊँ तेरा बाड़ पड़ा मानने जमीती बड़ ठाकुर कुलवधु को देखिए नि कुलवधु देढ़सुर को देखिए नि आ पछे पछे महाप्रभु थे महाप्रभु से ही बाहन जिते बड़े बड़ देवल मध्य प्रवेश करूगोलोक रस गो लोकलो लक्ष्मी मुहे देले खोई जेती छेना को छाचिलो शबद को जगह ना या तो विद्या जना जिते बड़े से श्रीमंदिर श्रीपुर मध्य प्रवेश करा महालक्ष्मी बाँपटे ठिया होते महालक्ष्मी मुहरें जो रसगोला को लेकिन आसी रसगोला रस चखे माँ को मो दब भंडे से ही न्याय महाप्रभु माँ को मुहरे विराट रसगोला को माड़ीदे आसगोलाटा एड़े बड़ होता जेती छेना कोई छाचिलो शबद को जगह ना महालक्ष्मी आ शब्द कर पारे चुप है हसीदे लक्ष्मी श्रीमुख चाह पद्ममुख अल्प अल्प हसी नाना उपहार संभार घेनीण उभा होती दासी कला श्रीमुख को निरेखी कमला परम सानंद हेले रत्न दीपावली बेनी करे धरी मंगल आलती कले जाई जुई कुंद दयणा मालती माल गले लंबाइले प्राणनाथ पाद पद्मे करे धरी पद्मालया ओगिले बेनी कर प्रसारीण वनमाली तक्षणे धईले तोड़ी देखी आली वृंद परम आनंद होदेले हूलहुड़ी हूलहुड़ी हरिबोल पड़ा आरंभ होला महाप्रभु महाभुज को प्रसारण करी महालक्ष्मी को महालिंगन प्रदान कले सारा जगत में हरिबोल हूलहुड़ी पड़ा देवता मैंने पुष्प वृष्टि कले घटिला कौन महाप्रभु महालक्ष्मी को नहीं रत्न भंडार निकट में पहुँचिले से पंचम मिलन है बाहाघर से जो गईठाड़ पड़ा से गईठाड़ आज नीलाद्री विजय दिन फिटिला आउ ये दृश्य को जे देख ये लीला को जे शुणब आउ जे मर्मे मर्मे एक अनुभव कर कौन हम जानती लक्ष्मीनारायण मिलन होइले सर्वेजन बोल हरी लक्ष्मीनारायण नाम सुमरिले भव सिंधु जीव तरी लक्ष्मीनारायण भज हे सुजने लक्ष्मीनारायण भज लक्ष्मीनारायण प्रसादरु अष्ट ऐश्वर्य संपत्ति भुंज लक्ष्मीनारायण नाम षडाक्षर नीति हृद पद्मे गुण लक्ष्मीनारायण चरित कु नीति निष्ठा करी कर्णे शुण लक्ष्मीनारायण भज रे मानस क्षेत्र रे मिलिव बास लक्ष्मीनारायण चरणे शरण गौर चरण दास आहा महालक्ष्मी आ महाप्रभुंकर महामिलन घटी श्रीक्षेत्र रे श्रीमंदिर रे नीलाद्री कंदर रे आसंता काली ठारु महालक्ष्मी रोसई करी नीलाचल अभड़ा को महाप्रभु को देचंती आ प्रभु सेमिति विस्फारित रंगाधर को प्रसारित करी प्रलंब भुज को बढ़े गुंडाए गुंडाए महार्द भुंजुचंती बड़ देवल को सुख फेरी आनंद फेरी रत्न दीपाड़ी जली उठी आ भक्त मानकर पुणी भिड़ आरंभ होती भक्त बंधु ये पांच थर मिलन और लक्ष्मीनारायण कलह
मिलन को जी श्रवण करिथाय निश्चित भाव पंचविध मुक्ति सहित दाम्पत्य कलह मुक्ति मिलिथाय बोली भक्त माने भाव दे थांती। भक्त बंधु जेणु यह विराट प्रसंग थिला आ प्रभु कृपा को पाथेय करी आपण माने रोचक ढंग से शुणिले जदि किसी त्रुटि होइथिबा विच्युति होइथिबा बाणी जनित ता केवल मो तरफ रु एवं सर्वोपरि बाप माँ को ये पुओ क्षमा प्रार्थना करुची जेणु बाप माँ को गाली को कलह को दांडरे आलोचना करिथिबारु ए भाव सहित आपण लक्ष्मी नारायण महाप्रभु महालक्ष्मी को मन भरी भल पाइबे। यही भाव सहित एठारे वाणी को विश्राम दौचु। जय जगन्नाथ।